हेलो व्यूवर्स, अगर आप जेईई मेन 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें मेरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सक्सेस, अगर आपको जेईई मेन में सक्सेस प्राप्त करनी है तो इन लाइनों को अपना वशूल बना लीजिए। मंजिल उनको मिलती जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला बढ़ाइए और फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। ये एडवर्टीजमेंट की है। और अगर आप आईआईटी बॉम्बे, देखिए क्यूएस रैंकिंग और कैंपस आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी केजीपी, गुवाहाटी, रुड़की, इन इंस्टीट्यूट्स में या एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एग्जाम की डेट आपके पास है। सेशन फर्स्ट जो होगा उसकी डेट है अप्रैल में 16, 17, 18, 19, 20 से 21 तक, और सेकंड सेशन जो होगा मई में उसकी डेट है 24 से 29 तक। एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न देखिए, इसमें टू पेपर है। फर्स्ट पेपर जो आपका है वो बीई बीटेक के लिए है, आईआईटी एनआईटी और अंदर सीएफटी इंस्टीट्यूट है उनके लिए है, और इलिजिबिलिटी टेस्ट है जेई एडवांस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जेई मेन गेट वे है जेई एडवांस का। अगर आपको जेई एडवांस क्रैक करना है तो जेई मेन देना होगा। पेपर सेकंड जिनका आर्क में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में, उनके लिए है। इंडिया के ये सारे इंजीनियर्स इंडिया में दो तरह के हैं, आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन। अगर आप जो भी बनना चाहते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, इन सबके लिए जेई मेन की आपको जरूरत है। जेई मेन के बाद कुछ में एडवांस आईआईटीज में, ये बीट्स का अलग से एग्जाम होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बेंगलोर ये भी इसी से लेते हैं। इनका और भी पैटर्न है। ये इनका फर्स्ट पेपर होगा। पेपर पैटर्न देखिए, आपके मैथ्स में 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, फिजिक्स में भी 20 है, केमिस्ट्री में भी 20, अगेन सेक्शन बी में, तीनों में 10-10 क्वेश्चन है। इनमें से आपको 5 चूज करने हैं। ये एग्जाम जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसलिए इसको सीबीटी कहा जाता है। इसका मॉर्निंग का टाइम 9 to 12 है और इवनिंग का 3 to 6, दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, जो भी शिफ्ट आपको मिलती है। और इंडिया की एज पर एनईपी के अनुसार अधिकांश मेजर लैंग्वेज में एग्जाम हेल्ड होगा। लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की 31 मार्च, 11:30 PM तक ध्यान रखिए, 12 PM तक नहीं है। और ये फर्स्ट सेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें लिखा है वेरी केयरफुली आप इसको फिल करें, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिए आपको। और ये इसकी वेबसाइट का लिंक है। अब अगर इसमें लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फोन नंबर, आपको कोई दिक्कत हो तो आप फोन नंबर और इनको ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2022, और ये पब्लिक नोटिस है, हिंदी में आपके पास है, ये इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। ये रजिस्ट्रेशन है फॉर जेई मेन 22, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा एक्सटर्नल साइट पर, ओके पर क्लिक करना है। देन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो साइन इन पे करना, अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपके पास 3 स्टेप है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल करना फॉर्म को और पे करना एग्जामिनेशन फीस को। सिंपल सा प्रोसीजर है। ये देखिए यहाँ जेई मेन 2022 लिखा आ रहा है। अब इसमें फर्स्ट ये रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट ऑफिस। रजिस्ट्रेशन में देखिए इन्फॉर्मेशन है आपको, जो ये फीस है, जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उनकी फीस आपको पे करनी होगी, कैटेगरी अकॉर्डिंग फीस है। स्क्रोल डाउन करेंगे तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर एंड आपको पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका पासपोर्ट कलर फोटो होना चाहिए, और या ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, जिसमें 80% फेस होना चाहिए, और उसमें आपका फेस 80% होना चाहिए, इसको ध्यान रखें। और स्कैन फोटोग्राफ आपके सिग्नेचर का वो भी रखें, और 10 KB से 200 KB के बीच में आपके जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, 10th हैं, अगर 12th हैं, जो भी आपने कर लिया, सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यू से हैं, और ये सब क्लियरली लेजिबल ये आपको होना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वापस रीलोड करना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले से आप करके रखें। और फाइनली आपको फीस का पेमेंट करना, सिंपल सा प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शन पासवर्ड में, पासवर्ड जब भी आप बनाते हो तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिससे कोई पता नहीं करे, जैसे जो भी आपका नाम हो, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे कुछ भी, मेरा नाम है दिनेश, तो मैं डी कैपिटल बना देता हूँ, दिनेश एट द रेट, आप जो भी आप नंबर डालना चाहें, 723 या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या ऐसा कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कुछ बना करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें।
8 से 13 करेक्टर के बीच में होना चाहिए, इनको आप देख लें इस कंडीशन से अकॉर्डिंग, और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद सिंपल सा है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये ध्यान रखिए आपको वही लिखने हैं जो आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट्स में है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी आप लिखें, आधार नंबर लिख दें सबसे बेटर है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में, यहाँ आप आधार टाइप करें, अगर आपके पास आधार नहीं है तो दूसरा पासपोर्ट है या जो ड्राइविंग लाइसेंस है कुछ भी है, नहीं तो स्कूल का आईडी कार्ड वो भी आप कर सकते हैं, और जो भी यहाँ लिखते हैं उसके नंबर यहाँ लिखें। प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद ये देखिए प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद परमानेंट एड्रेस, अगर यहाँ सेम एज अबव एड्रेस कर देंगे आप तो आपको एड्रेस नहीं पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज एड्रेस पढ़ना पड़ेगा। फिर चूज पासवर्ड, जैसे मैंने बताया पासवर्ड आपको चूज करना, फिर कंफर्म करना, और सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आपका हिंट क्वेश्चन होता है, इसको आपको नोट कर लेना, ध्यान रखें ये काफी इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड और सिक्योरिटी आंसर है। फिर उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस होगा, जहां पर यहाँ आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी जैसे मैंने मेरा नाम लिखा था तो मेरा नाम आ गया, और यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर होंगे, ये इसके इनिशियल डिजिट होगी, फाइनल डिजिट। अब इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना कंप्लीट है, तो कंप्लीट आ गया ग्रीन में। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट दो स्टेप और कंप्लीट करनी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट आप इस पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारे प्रोसेस आएंगे वन बाई वन, फिर आपको लास्ट में मोबाइल नंबर वेरीफाई और ईमेल को भी वेरीफाई आपको करना है। इसके बाद देखिए जैसे पर्सनल डिटेल कंप्लीट करेंगे, इनकम्प्लीट कंप्लीट आ जाएगा, आधार आप डिटेल डालेंगे, एग्जाम सेंटर डिटेल आपको भरनी है, चॉइस ध्यान रखिए सेंटर आपके पास होना चाहिए, सोच समझ के भरिए इसको, क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी मार्कशीट अपने पास रखिए उससे भरिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं फैमिली इनकम वगैरह सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भरिए, और डॉक्यूमेंट अपलोड्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड स्कैन है उनको आप रखिए, ध्यान रखिए फोटो का, ध्यान रखिए फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए और 80% आपका फेस आना चाहिए, इवन आपके ईयर भी नजर आने चाहिए, और फिर फाइनल सबमिट में क्या होगा ये इनकम्प्लीट या कम्प्लीट कर देंगे। अब जैसे मैं पर्सनल डिटेल का क्लिक करता हूँ तो ये पर्सनल डिटेल भर जाएगी देखिए फर्स्ट, फिर इसको भर के आधार, ये वन बाई वन इस तरह से आप फिल करते जाएं, और इसके बाद आपको देखिए लास्ट में आएगा रिव्यू पेज, जब सारे फिल कर देंगे, देखिए मैंने फिल कर दिया कॉन्टैक्ट पर्सनल आधार एक टिक आ गए, देखिए एग्जाम सेंटर क्वालिफिकेशन एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर आपके पास आएगा फाइनल सबमिट। अब फाइनल सबमिट में आपके पास एक रिव्यू पेज आएगा, अगर आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू नहीं करना चाहते इसको क्लोज करें और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उसकी तैयारी करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो और वीडियो देखना चाहते हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।